हो गया। क्या बात, क्या बात? मेरे को एक बात बता। मैं तो एक्साइटेड हूँ। हाँ, मेरे पास रीजन है। हाँ, व्हाई आर यू एक्साइटेड? मेरे को कोई रीजन नहीं है यार, साफ सफाई कर रहे हैं। जब चीजें अपनी सही जगह पर होती है तभी अच्छी लगती है। इस हिसाब से तो फिर बलराज तुम्हें गटर में जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज जहाँ जचती है वही सही होती है ना? हाय बेचारी, आजकल पैसे और पंचेस ठीक ठाक ही मिल रहे बेचारी को, और इसको इस्तेमाल दोनों नहीं करने आते। पैसे खर्चने आते, पंच मारने नहीं आते। जो डिसाइड हुआ था क्या? क्या जूही तेरी, तब्बू मेरी। तेरा सही है। तब्बू जी सिंगल है, किसे मार खाने का डर नहीं है तुझे। मेरे को ना जय मेहता की फैक्ट्री की वर्कर यूनियन आके पूरी मार के जानी है यहाँ से। इनको ये नहीं मालूम कि मैं अपनी खुद बॉडीगार्ड हूँ। इनसे बहुत दूर रहना, ये नाता नहीं। इसके दांत देखो इतने पीले, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जाके मुस्कुराते तो गाड़ियां स्लो हो जाती है। अब इसको यहाँ से हिलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आई वांट टू आस्क यू जूही जी। हाँ जी। क्या ये ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में आपके इसी तरह साइको फैन मिले हो आपको लाइफ में, मतलब शाहरुख खान के अलावा? आई लव यू जूही। काफी दिनों से शादीशुदा हूँ, बोरिंग होगी लाइफ। जूही जी आपको पता नहीं है कितने लोग कितने खुश हो गए आपके एक डायलॉग। एक मिनट, मेरे को लगा था यही सिंगल है, थोड़ी थोड़ी ये भी है। तब्बू मैम सही है, आपको हेड मसाज आती है? मेरा पैर है यहाँ पे। मैं मतलब प्यार में कुछ नहीं, अपन ठीक है। जूही मैम आपको पता है आपकी वजह से मेरे और मेरे पापा में बड़ी लड़ाई हुई है। क्यों? जब बाप बेटे का क्रश सेम होगा तो झगड़े तो होने ही घर में। मैं वही सवाल एक्चुअली तब्बू से पूछना चाहूंगी, मतलब आपको ऐसा लगा सही डिसीजन किया मैंने सिंगल रह के? आज इनके मुंह से सुन के तो मतलब। तब्बू मैम नहीं नहीं, मेरे को अपना मेकअप दादे रख लो आप। क्यों? मैंने बातों बातों में मांग में सिंदूर डाल देना, आपको पता नहीं चलेगा। ये बात है, मैंने सोचा नहीं भाई, मैं भी तो स्पेशल थी ना। कोई आइडिया आपको एक साल में कितनी गिफ्ट्स भेज दी होंगी आपको? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे रैपर भी जमा हो गए होंगे गिफ्ट्स के। हमें पता है इन्होंने उन रैपर्स का क्या किया है। क्या किया दिखाना जरा, वो किया है वो देखो रैपर। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने रैपर का इस्तेमाल कर लिया सही जगह, नहीं तो गोविंदा जी तो बहुत बुरे लगते। ये तस्वीर खिंचाने के लिए आपको बहुत ब्राइब करना पड़ा, मतलब इसका क्या किस्सा क्या है? ये न्यू कमर होते हैं ना हम, तब ये सब होता है, ऐसा रैपर पहन के ऐसा पोज करना है ना। आपको कौन लग रहा गोविंदा जी? ऑफ शोल्डर ज्यादा सेक्सी लगते हैं। आपके जैसा पति पाने के लिए जो हर डे आपको गिफ्ट दे, कितने सुमरार रख रखने पड़े। ये ना शादी से पहले हुआ था, शादी के बाद कितने गिफ्ट आई है तो पूछो। फिल्मों में भी ऐसा होता है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मैम कभी ऐसा हुआ है मतलब आप ऐसे 4 करोड़ की गाड़ी से उतरी हो, 10 लाख का सूट पहना, 2 लाख के सैंडल पहने हैं, 2 लाख और ऐसे ही जैसे सब्जी वाले के पास भी बोला है धनिया तो फ्री में दिया करो, क्या 5 रुपए मांग रहे हैं? मुझे लगता है ना कि एक जॉय ऑफ बार्गेनिंग होती है जो हर नारी का अधिकार है, है ना? और आई थिंक फिल्म में जाने के बाद वो एक आप नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं, वही सोच रही थी। ये बार्गेनिंग बड़ी होती है, मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फोन करता हूँ आपको फिल्म के लिए, तो आप कैसे बार्गेन करेंगी? आप फोन उठा लेना, हेलो तब्बू जी का नंबर नहीं है, डायल कर दिया। 70 लाख में डन कर दे। 75 कर दो सर। 75? अच्छा मतलब इतना बार्गेन। पैसों के लिए कभी फिल्म की है स्टोरी? बहुत बार की है सर। बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं करनी चाहिए थी? पैसा लेने के बाद कोई रिग्रेट। मम्मी पापा की किडनियां बेच दो, तुम्हारी बहू को प्यार नहीं पैसा चाहिए। जुई, कभी आपने ऐसे किया है कि सिर्फ पैसे के लिए पिक्चर साइन की थी? देखो पैसा तो मेरे को इतना याद नहीं है, मगर बहुत बार ऐसा हुआ कि हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है और फिल्म साइन कर ली, पिक्चर किस बारे में है, कहानी क्या है वो पता ही नहीं है। फिर रिग्रेट हुआ कि? मेरे साथ तो ऐसे कमाल के किस्से हुए, जो पिक्चर मैंने रिजेक्ट की है वो बड़ी फिल्म हिट हो गई,
ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए, इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। और आपको बताया तब्बू जी, इन्होंने सिर्फ आपका ही करियर नहीं बनाया, इन्होंने और भी बड़े लोगों का बनाया पता है। sure. ये खुले में दावा ठोकती हैं पता है सोशल मीडिया पे। दिखाएं आपको क्या? हाँ जी पढ़ दीजिए। सवाल था, आर देयर एनी फिल्म्स यू रिग्रेट नॉट डूइंग दैट वर फर्स्ट ऑफर्ड टू यू? देखा जहाँ पर जूही ने बताया है, यस देयर आर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करिश्मा एंड रवीना सुपरस्टार्स। ये क्या कहानी है? मैं तो ऐसी फिल्में नहीं की जो कमाल की हिट्स हो गई, जैसे कि दिल तो पागल है। आपने मना की? भाई माधुरी का रोल थोड़ी दिया था उन्होंने मुझे, उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। ओ यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। नाइन्टीज की हीरोइनों के राइवलरीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे या फिर हम उनको मीडिया में बहुत ज्यादा देखा करते थे? बता दो, शादी होगी लोगों की, अमेरिका अमेरिका चले गए, बताओ। नहीं, वो अमेरिका से वापस भी आ गए ना। तो अब जब आपकी माधुरी दीक्षित से मुलाकात होती है तो फुल हाय हेलो लव फीलिंग एकदम गले वाले मिल जाते हैं हम लोग। आपने आमिर के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ काम किया है, आपने सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरो हीरोइन क्यों नहीं की? भाई ये मैंने नहीं किया, ऐसे नहीं है, बहुत बिगिनिंग में जब हमारा करियर बस शुरू ही हो रहा था, एक कोई फिल्म बनने वाली थी जिसमें वो हीरो होने वाले थे, वो कहते मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। टड़ंग, टड़ंग, फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। ये हमारी कहानी है अकॉर्डिंग टू सलमान, मुझे तो ये याद ही नहीं है। मतलब जूही मैम फिल्में तो फिल्में, जिस बंदे को रिजेक्ट कर दी वो भी स्टार बन जाता है पता है। आई लव यू, रिजेक्ट कर दो मेरे को। वैसे शाहरुख के साथ भी आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है ना? हमने फिल्म साइन की थी तब मैं भी काफी नई ही थी, ऐसे होंगे आईब्राउज और ऐसे बाल यहाँ तक और वाइट शर्ट में दुबले पतले से, मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है बताओ। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। बट बाय देन ना मैंने साइन वाइन कर ली थी पिक्चर, फिर मेरे को करनी पड़ी, मगर देखो उसको भी स्टार बना दिया मैंने। अबू जी आपने भी कभी सलमान भाई के साथ कोई फिल्म नहीं की ना? एक ही खान के साथ मैंने फिल्म की, वो सलमान खान। कौन सी की आपने? हम साथ साथ नहीं देखी आपने? अरे हाँ, गैंगस्टर नहीं, अपोजिट नहीं, वो साथ साथ नहीं थे, हम साथ साथ नहीं थे। साथ नहीं की ना आपने कोई? साथ ही थे, मतलब क्या गोद में बैठ जाती हूँ। गए हो में भी थी इस फिल्म का जिक्र सलमान भाई नहीं करते, तेरा करना जरूरी है। इनको तो पता नहीं गुस्सा आता है कि नहीं आता, मेरे को बड़ा गुस्सा आया एक आदमी पे। किस पे? जिसने इनको फितूर में मम्मी का रोल दिया ना, कटरीना की मम्मी बना दिया, हैदर में शाहिद की मम्मी बन गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे शाहिद के मुंह से बेबी मम्मी निकल गया? रीटेक अब ना मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि यार तब्बू तुम सबकी माँ का रोल क्यों करती हो यार, प्रेशर हम पर भी आ जाता है। आपके पास ऐसे रोल्स आए कि कटरीना की मम्मी का रोल प्ले कर लीजिए, और आप क्या करती अगर ऐसा होता तो? मैं बेटा किसी को नहीं कह सकती जो मिड से भी ऊंचा हो। तो राजपाल यादव अगर हीरो होगा उसकी मम्मी बन जाएगी, वो लंबे नहीं है। वो तो आपके घुटने तक आएगा, दिस इज ट्रू। पर सुन ना, हाँ तू तो जानता है ये दोनों नेचुरल ब्यूटीज ही हैं। हाँ, एक सेकंड, 2000 रुपए सारे के सारे ला लेता हूँ। बहुत सारा प्रेशर होता है एक्ट्रेसेस पे नेचुरल ब्यूटी दिखने के लिए। तो आपने प्रेशर में आके कभी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की है? अरे वाह, मैंने पैसे डाले, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने भी सैंडल डाले, कहीं से भी मार सकते हैं। इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। अबू मैम अभी तक तो नहीं, ऑनेस्टली आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया हुआ है? लग तो नहीं रहा, बट क्या करें, डायरेक्टर बोलता पूछो। अच्छा। अत्यंत ब्यूटीफुल लेडीज के साथ हम एक अत्यंत खूबसूरत गेम खेलने वाले हैं। इट्स कॉल्ड द टच एंड फील गेम, बिकॉज़ वी बिलीव
अरे बहुत मजा आएगा आपको इस गेम खेलने में. आपको कैसे मालूम हमको मजा आएगा? बिकॉज़ मुझे बेटा पाए लागू नहीं होता, पाए लागू होता है. अब वो मैं स्कूल नहीं गया ना, इसलिए आ उ की मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है. पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आया? मैं यहाँ माँ को गोद लेने आया हूँ. माँ गोद लेने? पता है तब्बू जी, इन्होंने कहा था मेरे घर पैदा हो जा, हीरोइन जैसी माँ दिलाऊंगा. अच्छा जुई जी, आप मेरी माँ बन जाइए ना. ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो तेरी माँ कैसे बन सकती है बेटा? तो तब्बू जी आप बन जाइए. नहीं नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं कैसे बन सकती हूँ? पता कितनी प्रॉब्लम होती है, गुप्ता जी का लड़का हमेशा मुझे कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? अरे मैं कब बोलूंगा मेरे पास माँ है? बाबू तू उनको बोल दिया कर के तुम्हारे पास बाप है. बोला था, फोटो भी दिखाई थी, तब और मारा. ऐसा बाप रखा है? ऐसा बाप रखा है, इतना बदतमीज है. अच्छा आप जल्दी से बताओ कि कौन मेरी माँ है, मैं जल्दी से उठा के ले जाऊँ. वो मेरी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, जल्दी बताओ. दोनों से पर्सनली जाके पूछ ले, और जो थप्पड़ मार देगा मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे लाइन मारनी. दोनों ने थप्पड़ मारना है तो मलिष्का जी को मेरी मम्मी बना दीजिए. दिव्यांश गलत बात है बेटा, तेरे ताऊ जैसे हैं पता है, मेरे बड़े भाई हैं वो. जुई जी, तब्बू जी, इससे पहले कि ये मेरे और कपड़े उतारे, आप दोनों में से डिसाइड करो ना इसकी माँ किसको बनना है. माँ बनने के लिए हम तैयार है तुम्हारे, लेकिन ये बाप नहीं हो सकता है. तब्बू मम्मी आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है ना. इधर आओ, इधर आइए पापा. हाँ वो मेरी हाइट नहीं है, वरना चोटी पे लटक के आपके पीठ पे लात मारता. चला जा बेटा यहाँ से, मैं तेरे को बता रहा हूँ, जा चला जा. बाप तेरा नकली जूते वीआईपी के पहने तूने. थैंक यू वेरी मच तब्बू जुही चावला. एंटरटेनमेंट की रात जारी रहेगी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अति लंबी गेस्ट हो. मैं अपने बारे में एक आधी चीजें बता देता हूँ. मैं एक्चुअली ना कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा खास आदमी हूँ. मैं ये बड़े 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 हीरो ना मेरे आजू बाजू घूमते हैं. अरे ये ऋतिक, आमिर, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के सामने तो गुजर जाता हूँ मैं. कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से. वो क्या है कि पासिंग शॉट देने पड़ते हैं. जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना मैं. तब्बू जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई हैं, मगर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है मेरा, वो आपसे डिस्कस करना था मुझे. क्या? मेरे ताऊ जी ना आपके बहुत बड़े फैन थे. ताऊ जी? ताऊ जी फैन थे. क्योंकि आप ही के चक्कर में निपट गए वो. वैसे देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, हमें ना ज्यादा लोग पहचानते नहीं है. बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर छोटे छोटे रोल किए, जस्ट लाइक चांदनी बार. मैडम चांदनी बार में आई हैव डन अराउंड 21 रोल्स. क्या बात कर, 21 रोल. मेरा रोल भी आपने किया था? जी हाँ, बहुत सही पकड़ी आप. एक दिन मधुर सर ने मुझे बोला, तब्बू जी आई नहीं है, तू तब्बू जी बन के खड़ा हो जाएगा फ्रेम में. मैंने कहा ठीक है. आपको बोला शॉट याद है? शॉर्ट नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि वो घाघरा जो मैंने उस दिन पहना था आपके पहनने के बाद तो नहीं. जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने. वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि चांदनी बार से मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत, लेकिन आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है. पूछो क्यों तब्बू जी? क्यों? बाहर का पैसा था, बाहर में चला गया.